स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में मैट्रिसेस में जो चैप्टर नंबर 4 चल रहा था हमारा, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, उनके अदर डेफिनेशंस को हम कंप्लीट करेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के डेफिनेशंस देखी थी, और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स को हमने कहा था ए माइनस क्या कहना है, लैम्डा आई इक्वल फाई लैम्डा कह देना, ठीक है, या फाई एक्स कह देना। तो इस टाइप से हमने पॉलिनोमियल निकाला था। आज हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पढ़ेंगे, रूट पढ़ेंगे, लेटेंट रूट, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बोल सकते हैं उनको, और अदर डेफिनेशंस को पढ़ेंगे कि क्या क्या हैं और कैसी हैं। तो देखिए, स्टार्ट करें हम। हमारे पास में एक डेफिनेशन है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। डेफिनेशंस हम पढ़ रहे थे, डेफिनेशंस, इसमें आज हमारी डेफिनेशन है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है? इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, देन द इक्वेशन ए माइनस लैम्डा आई इक्वल जीरो और फाई एक्स इक्वल जीरो, दैट इज ए माइनस लैम्डा आई इक्वल ए नॉट प्लस ए वन लैम्डा प्लस ए टू लैम्डा स्क्वायर अप टू ए एन लैम्डा एन इक्वल जीरो इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए की कहलाएगी कैसे, क्या है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और पॉलिनोमियल हमने जो पढ़ा था वो था ए माइनस लैम्डा आई इक्वल फाई एक्स या फाई लैम्डा, ठीक है, एक्स का मान लो या लैम्डा का मान लो, बस यहाँ पर अंतर आता है ये फाई लैम्डा को हमें क्या लेना है, जीरो लेना है, क्या लेना है, जीरो लेना है। जो फाई एक्स लेते थे हम पॉलिनोमियल में, क्या लेते थे, ये क्या होता था, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता था, ठीक है, और इसी पॉलिनोमियल को हम क्या ले लें, जीरो जीरो के इक्वल ले लें, तो वो क्या कहलाती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाती है। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाएगी तो क्या डेफिनेशन है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, एक ऐसी मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, एक ऐसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन द इक्वेशन, इक्वेशन क्या होगी, देखिए ए माइनस लैम्डा आई, ठीक है, डिटरमिनेंट इक्वल जीरो, ए माइनस लैम्डा आई इक्वल जीरो और फाई एक्स, इसको क्या बोल देंगे, फाई एक्स बोलते थे, क्यों बोलते थे, क्योंकि हमने ये कौन सी डेफिनेशन में पढ़ा है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में पढ़ा है कि इस वैल्यू को हम ए माइनस लैम्डा आई को फाई एक्स बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के हम डेफिनेशन में पढ़ सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक डेफिनेशन से, अगर पॉलिनोमियल से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को अगर जीरो को इक्वल रख दो, वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाती है। कैरेक्टर सुनिए, कैरेक्टर इक्वेशन जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है उसको अगर हम जीरो के बराबर रख दें तो वो क्या कहलाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाएगी। यानी कि फिर बोला है, फिर से सुनिए, इफ ए कब कहलाएगी, जब ए कैसी हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कई डेफिनेशन ध्यान रहे ना, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पर्टिकुलर वे में बताई गई है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कंडीशन के मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स की है या नहीं है, तभी निकलेगा। बोला ही है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स,
इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स हो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, देन द इक्वेशन ए माइनस लेमडा आई इक्वल जीरो, तब इक्वेशन क्या होगी, ए माइनस लेमडा आई इक्वल जीरो और फाई एक्स इक्वल जीरो, दैट इज ए माइनस लेमडा आई इक्वल क्या होगा, ए नॉट प्लस ए वन लेमडा प्लस ए टू लेमडा स्क्वायर अप टू ए एन लेमडा एन इक्वल जीरो इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. क्या कहलाती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाती है ऑफ द मैट्रिक्स ए की. कोई मैट्रिक्स ए है उसकी क्या कहलाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाएगी. अगर कब कहलाएगी, कब कहलाएगी, जब ए माइनस लेमडा आई क्या हो जीरो, यानी कि लेमडा स्क्वायर माइनस फाइव लेमडा प्लस टू, ऐसी कुछ थी इक्वेशन. ठीक है, यानी कि टू टू द फोर अगर आप मान लो, या कुछ और भी ले सकते हो आपकी मर्जी है, यहाँ टू लैम्डा मान लो, ठीक है कुछ भी मान लो, तो क्या आना चाहिए, वो इक्वल जीरो क्या होना चाहिए, यानी कि कंडीशन कब होगी, जब लैम्डा की वैल्यू आएगी वन टू थ्री फोर, तो हमारे पास लैम्डा फाइंड आउट होगा, वो भी किससे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस. ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस की डेफिनेशन. अब हम आगे बढ़ेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक डेफिनेशन के बाद, इक्वेशन के बाद हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स. कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, ये है इफ ए इक्वल ए आई जे एम क्रॉस एन या एन क्रॉस एन बोल दो, क्यों, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसलिए. इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए माइनस लेमडा आई इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स ए. एग्जाम्पल के थ्रू आउट देखते हैं हम, फिर मैं आपको बताती हूँ. इफ ए इक्वल है वन माइनस टू, टू माइनस वन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए, ए माइनस लेमडा आई वन माइनस लेमडा माइनस टू, टू माइनस वन माइनस लेमडा, क्या है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स. कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या है, इफ ए इक्वल ए आई जे एन क्रॉस एन, ए इक्वल क्या है ए आई जे कितने का, एन क्रॉस एन का है, यानी कि एन क्रॉस एन का मतलब है स्क्वायर मैट्रिक्स है, एम बराबर एन है तब एन क्रॉस एन रखा, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स. क्या है, इफ ए इक्वल ए आई जे एन क्रॉस एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए माइनस लेमडा आई इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, तब ए माइनस लेमडा आई क्या कहलाएगी, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहलाएगी. यहाँ डिटर्मिनेंट नहीं है, डिटर्मिनेंट होता तो इक्वेशन बनती, डिटर्मिनेंट होता पॉलिनोमियल बनता,
क्योंकि जीरो के बराबर नहीं रख रहे हम, और फिर डिटर्मिनेंट को अगर हम जीरो के बराबर रखते तो इक्वेशन बन जाता। तो ए माइनस लेमडा आई सिंपल ब्रैकेट में इज कॉल्ड द, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहलाएगी ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो क्या है, इफ ए इक्वल है 1 - 2, 2 - 1, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करने या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए क्या आएगी, ए माइनस लेमडा आई 1 - λ - 2, 2 - 1 - λ। तो ये डेफिनेशंस हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स तक पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक रूट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन द इक्वेशन ए माइनस एक्स आई इक्वल जीरो और फाई एक्स इक्वल जीरो और सी लैम्डा एक्स इक्वल जीरो दैट इज ए माइनस एक्स आई इक्वल जीरो इक्वल में ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर अप टू ए एन एक्स एन इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड इट्स रूट its root are called characteristic roots of A। example hai if A equal 1 3 3 1 then the characteristic equation of A is A minus xi equal 1 minus x 3 1 minus x
इक्वल जीरो और फाइ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर टू एक्स माइनस एट इक्वल जीरो द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स रूट्स आर एक्स बराबर माइनस टू और फोर। अब देखिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स क्या बोला है, इफ ए एक कैसी मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन द इक्वेशन ए माइनस एक्स आई को जीरो के बराबर लिख दो। लास्ट अभी हमने ए माइनस एक्स आई ही पढ़ा था इक्वल जीरो, और फाइव एक्स बोल सकते हैं जीरो, और क्या बोल सकते हैं सी लेमडा भी बोल सकते हैं क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स को शो कर रहा है लेमडा और फंक्शन किसका एक्स का इक्वल जीरो। दैट इज ए माइनस एक्स आई इक्वल जीरो, यानी कि इक्वल में क्या होगा ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर अप टू ए एन एक्स की पावर एन इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाता है। ए माइनस एक्स आई इक्वल जीरो ए नॉट प्लस ए वन प्लस ए टू एक्स स्क्वायर अप टू ए एन एक्स की पावर एन इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए। किसी मैट्रिक्स ए की स्क्वायर मैट्रिक्स ए की कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या कहलाएगी, ए माइनस लैम्डा आई या ए माइनस एक्स आई का डिटर्मिनेंट एंड इट्स रूट आर कॉल्ड क्या कहलाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहलाते हैं। यानी कि ए माइनस एक्स आई निकालोगे तो वो तो इक्वेशन कहलाएगी या क्या कहलाएगी, कैरेक्टरिस्टिक आपको लिखा है इक्वेशन, क्या कहलाएगी ए माइनस एक्स आई निकालोगे वो तो कहलाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब यहाँ से रूट्स निकाल दिए, लैम्डा की वैल्यू वन टू आ गई तो वो क्या कहलाएगी, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहलाएंगे। लैम्डा क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या लेटेंट रूट, ठीक है, लेटेंट रूट भी कहते हैं इसको, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। इफ ए इक्वल कितना है, 1331 है, देन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज ए माइनस एक्स आई का डिटरमिनेंट इक्वल में कितना आएगा, 1 माइनस एक्स एक्स थ्री वन माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल जीरो, और फाइव एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इक्वल जीरो, द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आर। यहाँ से देखिए ये तो आ गया कि इक्वेशन बन गई, ये क्या आ गया, इक्वेशन बन गई, और यहाँ से x की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट कर दें तो वो क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहलाता है। ये इक्वेशन है, ये रूट है, ये क्या है, इक्वेशन है, ठीक है, और ये क्या है, रूट्स हैं, ठीक है, लेटेंट रूट भी बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट। तो ये आपकी डेफिनेशन है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स की, स्क्रीनशॉट लें आप। अब देखिए दो डेफिनेशंस और हैं, उनको कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमारे पास है दो डेफिनेशन, एक तो स्पेक्ट्रम लिखिए, द सेट्स ऑफ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स roots of A is called
द स्पेक्ट्रम ऑफ एच डोमिनेंट, जी एच मत डालो आप, 1 2 जितने भी नंबर डाल रहे थे वो डाल लेना, मैं ए और बी डाल देती हूँ, इनको जी एच तो बुक में था इसलिए लिख दिया। डोमिनेंट लेटेंट रूट, एफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 अप टू लैम्डा एन आर द कैरेक्टरिस्टिक रूट, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल ए आई जे एम क्रॉस एन क्रॉस एन, सच दैट लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा एन देन लैम्डा 1 इज कॉल्ड द डोमिनेंट लेटेंट रूट ऑफ द मैट्रिक्स ए। देखिए स्पेक्ट्रम क्या बोला, द सेट ऑफ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक रूट, द सेट ऑफ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक रूट, सभी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स का जो सेट होगा ऑफ ए इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ ए, क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम ऑफ ए कहलाएगा। यानी कि जितने भी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आएंगे या लैम्डा बराबर 1 2 3 4 उन सब का सेट क्या कहलाएगा, स्पेक्ट्रम कहलाएगा, क्या कहलाएगा, स्पेक्ट्रम कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, स्पेक्ट्रम कहलाएगा। अब इसी के साथ में एक डेफिनेशन और है, डोमिनेंट लेटेंट रूट इफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 अप टू लैम्डा एन आर द कैरेक्टरिस्टिक रूट, अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 और अप टू लैम्डा एन आर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हो ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स ए की, ए इक्वल कितना है ए आई जे एन क्रॉस एन की है, सच दैट लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन इक्वल लैम्डा 2, डिटरमिनेंट में लैम्डा 3 इज ग्रेटर देन, सारे ग्रेटर देन के साइन में, यानी कि ये बोला है इफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा एन आर द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ए इक्वल कितना ए आई जे एन क्रॉस एन, सच दैट लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन इक्वल लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन इक्वल लैम्डा 3 अप टू लैम्डा एन, वेयर लैम्डा 1 इज कॉल्ड द डोमिनेंट लेटेंट रूट। डोमिनेंट का मतलब है एक, मतलब कि डोमिनेंट से ही निकल रहे हैं अदर रूट, लैम्डा 1 होगा तभी आगे के रूट्स फाइंड आउट करेंगे, और सबसे बड़ा रूट कौन सा आएगा, लैम्डा 1 आएगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे, डोमिनेंट रूट कहेंगे। ये आपकी क्या हो गई, डेफिनेशंस कंप्लीट हो गई। अब यहां तक का आप स्क्रीनशॉट लें, तो ये आज हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में मैट्रिसेस में चैप्टर नंबर 4 आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर की सारी डेफिनेशंस कंप्लीट की हैं, और लास्ट वीडियो में मैंने इसके जो डेफिनेशन शुरुआत की थी, बेसिक कॉन्सेप्ट था वो क्लियर किया था। अब जिसने भी नोट्स बनाना स्टार्ट नहीं किया वो प्लीज़ नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, और पढ़ाई बिल्कुल जारी रखें, और जारी रखने के साथ साथ इनको एक बार रिविज़न ज़रूर करें, और स्वयं का मूल्यांकन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जाम्पल और इनके थ्योरम्स पर बेस्ड, मतलब कि थ्योरम क्या है किस हिसाब से है उनके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।